राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ प्रभात। और सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही माता रानी से दुआ करती हूँ। और सभी छोटे भाई बहनों को, बड़ों के लिए, सभी के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और देखिए, यहाँ सुबह के सारे काम हो गए तो चाय बीमारी बन गई थी, चाय वगैरह सभी ने पी ली। उसके बाद में हमने उबाल लिए थे मटर और आलू, वही बनाने आ गए हम रसोई में, क्योंकि रसोई है वही कच्ची वाली, मिट्टी वाली रसोई हमारी गीली है, तो वहाँ हम चूल्हा नहीं जलाते हैं अभी, वो सूखी नहीं, अब सूख जाएगी, उसके बाद में लिपाई करने के बाद ही हम जलाएंगे चूल्हा वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिट्टी लगा दो फिर सूख जाए, फिर लिपाई करने के बाद ही जलाते हैं, वैसे नहीं चूल्हा जलाते हैं। यहाँ सब्जी बना ले रहे हैं तो यहाँ गैस पर ये भी फिलहाल खाना ज़्यादा ज़्यादा बनता है हमारा। और हमारे घर पर आए हुए हैं मेहमान, जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं उनके बेटे वही घर पर आए हुए हैं। अभी तो वो इसमें पेपर चल रहे हैं तो पेपर देने हुए गए हुए हैं, आ जाएंगे तो हो सकता दिखाएं आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए आप लोग, अभी तक हमारी रसोई नहीं सूखी है, गीली है, कुछ कुछ हल्की हल्की सूख रही, मतलब थोड़ी सी वैसी हो गई है टाइट सी, लेकिन बिल्कुल नहीं सूखी है, सूखने में काफ़ी समय लग जाएगा। यहाँ होली भी नज़दीक आती जा रही है और फुलारा दी जाए जो कि फूल पड़ेंगे आज हमारे यहाँ पर। वैसे तो बुधवार की थी लेकिन मंगलवार को ही फूल पड़ जाएंगे हमारे यहाँ पर, लेकिन जो वीडियो तो आप लोगों के लिए बुधवार को ही मिलेगी देखने के लिए। और क्योंकि परिवार जो ही मतलब दुई परिवार में ही लग जाएगी, मंगलवार को दोपहर से ही लग जाएगी आज ही। और यहाँ हम आ गए, सफाई कर रहे, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह लगाई थी वो काफ़ी पड़ी हुई थी, झाड़ू तो लग जाती है लेकिन बिल्कुल जैसे होनी चाहिए सफाई वैसे नहीं हो पा रही थी, तो आज हमने कहा चलो यहाँ पर सफाई कर देते हैं, लकड़ी वगैरह उठा के अलग रखी। होली आ रही है, काम तो ऐसे ही लगे रहेंगे, छोटे मोटे बहुत काम हो जाते हैं घर में, कितना भी काम करो फिर भी काम, घर कच्ची मकान जो होते हैं वहाँ कितनी भी हम साफ सफाई कर लें क्यों ना, लेकिन फिर भी मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी तो रहेगी, लेकिन अच्छे भी लगते हैं, काम तो ज़्यादा होता है कच्चे घरों में लेकिन अच्छे लगते हैं, बस मन को बहुत ही सुकून देते हैं कच्चे घर। कहते तो हैं परेशानी तो कहते पक्का मकान हो जाए, लेकिन कच्चे घर अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ही प्रिय हैं कच्चे घर। यहाँ मिट्टी है, वो मिट्टी हम सारी उठा लेंगे, मिट्टी उठाने के बाद यहाँ पर से सारी हम डाल देंगे भैंसों की तरफ सारे उठा के, क्योंकि कूड़े के साथ मिट्टी तो जा नहीं सकती, तो मिट्टी हम डाल देंगे इधर भैंसों के घर। इधर आ गए हम पीछे दूसरे घर में, और उसके बाद कूड़ा सारा भर देंगे ऊपर पे डलवा देंगे, इसे भी हम साफ सफाई करते रहो तभी अच्छा लगता है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं। हमारे घर में तो कई दिन तो लीपने में लगते हैं, 3 दिन लग जाते हैं हमारे लिपाई करने में, कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, 3 दिन लगते हैं, लगातार लीपते हैं तब सुबह शाम, तो इतना बड़ा घर है तो क्यों कच्चा ही सारा है, तो लिपाई तो करनी है, लिपाई नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। यहाँ हम आ गए, देखिए चूल्हे जो बाहर चूल्हा हमने बनाया उसकी कर रहे लिपाई, क्योंकि उसकी हमने सोचा लिपाई कर देते हैं बाहर वाले की तो थोड़े बहुत चूल्हा जलाएंगे, खाना ना बनता रहेगा, अंदर वाला चूल्हा सूखने में समय लगेगा अभी, क्योंकि वो मिट्टी से, इसमें हमने ईंटें से बनाओ, जो ईंटें लगा दी थी हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के चिपका दी थी तो ये जल्दी टाइट हो गया थोड़ा, तो यहाँ हम जला लेंगे। और खाली मिट्टी का बनाओ तो वो जल्दी सूखता नहीं है, जो अंदर रसोई में बना वो वैसी मिट्टी का बना हुआ, उसमें ईंटें नहीं लगाई हैं, इसमें ईंटें लगा रखी हैं, तो अब इसी चूल्हे को जलाया करेंगे हम, क्योंकि लिपाई कर दे रहे, जो पीली मिट्टी होती है, पीला वाला हमारे गांव में मिल जाती है अक्सर,
उसी मिट्टी से लिपाई कर रहे हैं, गोबर डाल के, और ये सूख जाएगी तो उसके बाद हम चूल्हा चलाया करेंगे। थोड़ा हम सोचा थोड़ा आगे तक लीप देते हैं, बढ़ने के लिए काम आएगा, सही रहेगा। आप लोग प्लीज़ बताना सभी लोग कमेंट में हमारे लिए कि हमारा चूल्हा कैसा लग रहा है, कैसी हमारी रसोई लग रही है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए, नहीं लग रहा बताना ज़रूर प्लीज़। हमें तो मान लो हमारी चीज़ें तो हमें तो अच्छी लगेगी, अच्छी हो या कैसी भी हो, कहीं भी हो, अपनी चीज़ तो हर किसी को अच्छी लगती है। और यहाँ लिपाई करने के बाद ही देखिए, अभी हम नहा, लिपाई करने के बाद नहा के हम आ गए, इस समय काफ़ी हो गया था, हम खाएंगे खाना। सभी लोग तो खाना खा चुके थे, हम इन्हें नहीं खाया था खाना, तो हम नहाने के बाद ही खाना खाने आए। खाना खाने इधर हमारे जो ननंद के बेटे थे वो आ गए थे, इन्हें भी खाना खिला दिया, खाना हमारा तैयार था। हमने बोल दिया था सुबह जब गए थे पेपर देने कि आ जाना, खाना खा के ही जाना, तो बोले ठीक है मामी मैं आ जाऊँगा। अब वो आ गए, खाना खाने के बाद अब निकल जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्हें जाना है, इन्हें ड्यूटी भी करनी है, इसलिए रुक नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर परंपरा है, हमारे यहाँ का आज शाम टाइम 5:30 बज रहे हैं, और आज भूंज रहे हैं आलू, पूरा वाले आलू आग में। बच्चे लोगों ने कही आलू भूंदे, तो आलू भूनने रखे आए, प्याज की चटनी में पीस ले, धनिया की, धनिया, हरी मिर्च, नमक, हींग वगैरह डाल के पीसी। आप लोगों को दिखाते हैं कैसे हमारे आलू भुने हैं। इसमें भून रखे आलू भुने, यहाँ ये आलू हमें भुनना है पाए सही से, हम थोड़े और भुनेंगे ये भी जाएंगे, कुछ भुन भी आ गए तो भुन जाएंगे, निकालेंगे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ये भुनना है पाए, कुछ भुनेंगे कुछ ना भुने, अब इन्हें ढक देंगे हम। अभी सिखा रही हूँ आलू भुने में, जब भुनेंगे 3-4 आलू वो निकाल दें, बाद में इसमें रख दें, फिर से हम ढकना ढक दें, अब जब भुन जाएंगे तब निकालेंगे।